सोनभद्र में आज यादव समाज द्वारा गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया। इस पूजा में नगर विकास राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने भी हिस्सा लिया। पूजा के दौरान पुजारी ने तरह तरह के करतब दिखाए और गर्म दूध को भी अपने शरीर पर फेंका। इसके साथ साथ एक बच्चा जो कि पुजारी के साथ पूजा में मौजूद था, उस पर भी खोलता दूध डाला गया। ऐसा पुजारी ने आस्था के नाम पर किया। वहीं मंत्री जी ने भी इसे साक्षात श्री कृष्ण का आशीर्वाद बताया। सोनभद्र में यादव समाज द्वारा आयोजित गोवर्धन पूजा में मौजूद पुजारी ने आस्था के नाम पर तरह तरह के करतब दिखाए। एक बार पुजारी ने खोलते हुए दूध को अपने शरीर पर डाला। इसके साथ ही उसने पूजा में मौजूद एक बालक पुजारी पर भी गर्म दूध डाला। पुजारी इसे धर्म से जोड़कर बता रहा है। अरे हेलो, दिसंबर महीना में भी जो सज्जन चाहते हो सज्जन हम कर रहे हैं वाला है। अब महोदय बता दें जिसका चूल उसका पुण्य, जिसका जितना पुण्य रहेगा उतना ही फल मिलेगा। तो क्या आप उम्मीद क्या लगता है कि मोदी बनेंगे कोई और? इस बारे में हम साधु हैं जी, साधु सन्यासी भविष्यवाणी करते हैं, साधु सन्यासी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन ये मंडप बरसात होगी कि नहीं होगी? बरसात नवंबर में कहीं कहीं कुछ उतना तो नहीं है। राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए ये आप लोग जानिए, वो नेता हम बताए पता ना पाए थे कि विगत कल काल 5119 वर्ष बीत चुका है। इसके ऊपर जाइए राजा परिचित में कल काल आया था, उसके ऊपर जाइए धर्मराज राजा परिचित राजा हुए थे, उसके ऊपर जाइए भगवान कन्हैया अर्जुन की रथ को हाके थे तब राजा धर्मराज बने थे जी। उसके ऊपर जाइए प्रभु 7 वर्ष की अवस्था में इंद्र का मर्दन करे खातिर गोवर्धन के नक पर लेके पानी के रूप के पूजा का शुरुआत कर तब से पूजा हो तो प्रभु आप लोग कल्पना कर ली कह बड़ी पूजा होती है। सबके जीवन में खुशहाली आवे और जैसा परंपरा है कि दीपावली के एक दिन बाद फिर गोवर्धन पूजा की एक परंपरा है और सदियों से चली आ रही और ये पूजा से एक तो घरों में अन्न का भंडार होता है और जब घर में अन्न आ जाता है तो वैसे भी जब घर में भंडार हो जाए अन्न का तो वैसे भी खुशहाली आ जाती है। ये पर्व अन्नकूट के नाम से भी मनाया जाता है और इसका बड़ा महत्व है और हमको तो 5-7 जगह जाने का अवसर प्राप्त हुआ है इस पूजा में और मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने जो समाज को और पूरे देशवासियों के लिए अच्छे अवसर प्राप्त करने के लिए जीवन खुशहाल करने के लिए ये पूजा का जो महत्व है उस पर प्रकाश पूरी तरह से डाला और मैं इसके ऊपर अगर जाना चाहूँ ये त्यौहार मनाया क्यों जाता है, इसके कारण क्या है, बहुत लंबा इतिहास है लेकिन सारांश में मैं छोटी बात कह के ही समाप्त करूँगा कि अपनी श्री कृष्ण भगवान एक बार पर्वत पर जा रहे थे और वहाँ जो है 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लग रहा था, व्यंजनों की तैयारी हो रही थी और गोपियाँ भी थी, उनकी माता भी थी। वहाँ उन्होंने ये प्रश्न किया कि इस पूजा क्यों हो रही है, इसका क्या महत्व है। उन लोगों ने बताया कि भगवान इंद्र की पूजा और भगवान इंद्र की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि बरसात होती है, बरसात के कारण अन्न पैदा होता है, हमारी गाय माता वहाँ चरती है इसलिए पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण इस बात को कहा कि सीधे इंद्र भगवान को जब तक ये व्यंजन जो लग रहा है भोग में आना चाहिए, इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है गोवर्धन पर्वत पर ही उगता है और वहाँ से ही लोगों का अन्न भरता है और वहाँ ही गाय माता चढ़ती है, इसे गोवर्धन पर्वत पूजा होनी चाहिए। तो वहाँ के क्षेत्रवासियों ने गोवर्धन पर्वत की जब पूजा करना शुरू कर दिया तो भगवान इंद्र जो है बहुत नाराज हुए, बहुत क्रोधित हुए, उन्होंने उनके मन में इतना क्रोध हुआ कि उन्होंने भारी वर्षा की जिससे कारण से फसलें जो है नष्ट हो जाए,
पशु हैं, गाय हैं, जो गाय माता चढ़ती थी वो चढ़ ना पाए। जब उन्होंने ये किया शुरू किया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अंगुलियों पर पूरे पहाड़ को रखकर पूरी रक्षा किया, पशुओं की रक्षा किया, गाय के चरणों की व्यवस्था किया, तभी से ही ये गोवर्धन पूजा होने लगी है।